ये जिसकी एज ये नहीं है उन सब का डेटा मुझे दे दो, बस इतना ही है। ठीक है, थोड़ा समझ में आया कुछ? यस हाँ, आप लोग मैम, को कहीं भी डाउट है थोड़ा बहुत ही अगर, तो आप लोग पूछ सकते हो मुझे। ठीक है, हम लोग अब दूसरी चीज कुछ देखते हैं। यूजिंग हम एक चीज पढ़ेंगे, ऑर्डर बाय। ऑर्डर का मतलब पता है? ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बताओ, कोई बताओ। ऑर्डर बहुत कॉमन वर्ड है। किसी ऑर्डर में एक सीक्वेंस में करना। हाँ, सही बोला कि ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हमें कोई भी जो हमारे पास चीज़ें हैं उसको सीक्वेंस में लाना, उसको उस चीज़ में अरेंज करना। जैसे कि हमारे पास अगर कोई नेम है तो उसको असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना, या तो डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, तो ऑर्डर बाई का यूज़ करते हैं हम छोटा सा। ऑर्डर अब हम नेम दे देते हैं कि हमें नेम, जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स नेम है उसको हम ऑर्डर से लगा दो, मेरे जो भी स्टूडेंट्स के नेम है। तो देखो यहाँ पे इसने असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर्स में जो हमारे पास नेम था, आप लोग को विजिबल है टेबल, यस मैम, यस मैम। और थोड़ा बहुत रीडेबल है ना, मतलब पढ़ने में आ रहा है। मैम जूम करके आ रहा है। हाँ, तो जूम करके आप देखो कि इसने फिर अभी जो हमने ऑर्डर बाय नेम नेम दे दिया था कि नेम से हमारा ऑर्डर कर दो, जो हमारे नेम्स हैं लिस्ट में, जो हमारी नेम है उसको ऑर्डर बाय मतलब असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, तो उसने ये अरेंज कर दिया। लाइक गौरव, ABCD में मतलब A to Z में जो भी हमारा पहले जी आता है तो इसने जी लगा दिया, फिर K, P, S, S and V ऐसे लगा दिया। तो इसका ऑर्डर बाई का यूज़ हम बस ऐसे ही करते हैं छोटी सी चीज़ के लिए कि आपको अरेंज करना है। लाइक मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए कि जो ए से जिनका नाम है तो वो पहले आ जाए, फिर बी से जिनका नाम है वो बाद में आए, तो ऑर्डर बाई का यूज़ हम यहाँ करते हैं। ठीक है, मैम अब यही चीज़ मान लो आपको कि उल्टी में चाहिए, आपको आपको चाहिए कि जिनकी जिनका नाम Z से शुरू होता है या Y से शुरू होता है आपको वो पहले चाहिए, तो वो क्या अरेंजमेंट होगी? ये तो असेंडिंग टू डिसेंडिंग दिखाया, वो अरेंजमेंट क्या होगी आप लोग बताओ मुझे। डिसेंडिंग टू हाँ, क्या बोल रहे हो, मतलब सुनाई नहीं दिया मुझे। डिसेंडिंग टू असेंडिंग। तो यहाँ पे अब हम दे देते हैं नेम, अगर हमें डिसेंडिंग टू चाहिए तो हम DESC ये लगाते हैं। अब इसको हम रन करा लेते हैं। ये देखो अपोजिट हो गया पूरा, दिख रहा है आप लोग देखो जूम करके। अब यहाँ पे विपुल पहले नंबर पे आ गया, फिर सुमित आ गया, देन शिवानी, फिर प्रियंका, ऐसे ही। समझ में आया? ये डी ऐसी कमांड है क्या? हाँ, ये छोटा सा ऐसा फंक्शन है, कमांड ही समझ लो आप। ये DSC मतलब कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ये है। यहाँ पे हमने असेंडिंग नहीं यूज़ किया क्योंकि वो कॉमन है, ऑब्वियस है कि आपको ऑर्डर बाय करना है तो वो असेंडिंग टू डिसेंडिंग ही होगा। अब यहाँ पे हमें अलग से चाहिए था कि हमें नहीं असेंडिंग टू डिसेंडिंग, नहीं डिसेंडिंग से असेंडिंग चाहिए, तो हमने यहाँ पे ये
यूज किया है, डिसेंडिंग हमने लगा दिया ये कंडीशन कि हम मुझे इस कंडीशन में ऐसा ऑर्डर बाय करके दिखाओ, अरेंज करके दिखाओ, तो इसने इसलिए फिर यहाँ से जो हमारे ऊपर के नेम मतलब पीछे के नेम होते हैं वहाँ से शुरू करके लास्ट में ए बी जो भी आता है वहाँ तक अरेंज कर दिया, वैसे अरेंज कर दिया। समझ में आया आप लोग को? बताओ मुझे अगर नहीं आया तो। बहुत छोटी सी कॉमन चीजें हैं, बहुत बड़ा नहीं है। अभय पांडे, मोहित, समझ यस मैम, आ रहा है आप लोग को? यस मैम, एंड और समझ में आया ना ये सब? और कौन है? संजय, आप नए हो क्या? यस मैम, आज ज्वाइन किया। अच्छा क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? छोटी सी चीज, वो एक टेबल है उसमें यस और मैम, हाँ ये सब बस कंडीशंस है, वो सेटिस्फाई करके हमें जो हमें चाहिए वो दिखा दे रहा है, हम बस कंडीशन दे रहे हैं और वो वहाँ से हमें ऑब्जेक्ट्स निकाल के दे दे रहा है, वैल्यूज निकाल के दे दे रहा है। ठीक है, यस मैम, ठीक है। अब हम एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, नल ऑपरेटर होता है एक, जैसे कि यहाँ पे आधार नंबर में आप लोग को दिख रहा होगा कि नल है, तीन लोगों का नल है, विपुल का, प्रियंका सॉरी कैलाश और गौरव का नल वैल्यू है, ठीक है? तो आपको चाहिए कि मुझे उन बच्चों का नाम दे दो जिनका आधार नल दिखा रहा है, तो हमें ये कैसे फाइंड होगा? तो उसी के लिए हम ये नल ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने दे दिया, कॉपी कर लेते हैं। वेयर इज नल, ये स्टेटमेंट समझ में आई क्या बोल रहा है कि मुझे उन सारे बच्चों की वैल्यूज दे दो जिनका आधार नंबर नहीं है, नल है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और देखते क्या दिखाता है। तो देखो इसने वो तीनों बच्चों के नाम दे दिए जिनका आधार नंबर नल आ रहा था। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? यस मैम, छोटी चीज है, सबको समझ में आया? सब लोग बोलो, मुझे कोई डाउट हो तो बताओ। प्रियंका, यस मैम, समझ आ रहा है? हाँ मैम, इजी है ना? यस मैम, ठीक है, अब हम मिनिमम एंड मैक्सिमा फंक्शन देख लेते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम पता है ना आप लोगों को, जो भी कोई नंबर जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसको मिनिमम बोलते हैं और जो मैक्सिमम है सबसे ज़्यादा है वो उसको मैक्सिमम बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक छोटी सी चीज़ है जहाँ पे मान लो मुझे किसी ने पूछ दिया कि मुझे उस बच्चे का नाम दे दो जिसकी एज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कोई बता सकता है? थोड़ा बहुत अभी हमने जितना किया कि अप्रोक्स क्या मिनिमम यूज़ करके कुछ बताओ। मैम सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। हाँ रुको मैं लिखती हूँ। हाँ सेलेक्ट ऑल करूँ? सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, फिर वेयर वेयर इज मैक्सिमम।
एज इज मैक्सिमम, पूरा लिखूं? देखो ये तो हमारा पूरा इंग्लिश स्टेटमेंट आ गया ना, जैसे कि सर ने बोला था कि आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है, कि आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। सर ने बोला कि टूटी फूटी इंग्लिश में भी यूज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे एज इज मैक्सिमम ये तो पूरा आपका इंग्लिश स्टेटमेंट हो गया ना, तो यहाँ पे हमें इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत छोटा सा यूज़ करेंगे। ये समझ में आ रहा है? सेलेक्ट मैक्सिमम एज, मुझे उन जो मैक्सिमम एज है वो मुझे दिखाओ। इसको रन कर दिया हमने, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम एज जो हमारे पास लार्जेस्ट एज थी वो 24 दिखा दिया। ये बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे बस हमने बस लिख दिया कि सेलेक्ट। अगर आपको पूरी वैल्यू चाहिए कि हाँ मुझे उस बच्चे का नाम भी बताओ जिसका क्या नाम है मैक्सिमम एज हो या मिनिमम एज हो, तो उसको सेलेक्ट ऑल करके हम कर लेंगे। ऐसे ही हम मिनिमम देख लेते कि मिनिमम एज जो हमारे पास डेटा है उसमें सबसे कम एज वाला, सबसे कम एज क्या है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही ये मिन कर देंगे, फिर फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो ये जो मिनिमम एज है हमारे पास लिस्ट में उसे ये मिनिमम एज दिखा दे। देखो 18 दिख रहा है आप लोग को आउटपुट? यस मैम, मैम, यस मैम, हाँ, तो समझ में आया ना कि इसने क्या किया? बस आपसे किसी ने रैंडम ने पूछ दिया कि आपके क्लास में सबसे बड़ा बच्चा कौन है, मतलब कौन नहीं है, सबसे ज़्यादा एज का क्या एज है, सबसे मैक्सिमम एज क्या है। तो आप बस ऐसी मैक्सिमम एज फिर फ्रॉम स्टूडेंट्स आप लिख कर बता सकते हो उसको कि हाँ ये डेटाबेस है, उसमें से हमने मैक्सिमम एज देख ली कि मैक्सिमम एज 24 थी और मिनिमम एज 18 थी। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत? यस मैम, यस हाँ, अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछ लो, थोड़ा बहुत कोई डाउट हो तो। मैम, अगर एज के साथ उसका नाम भी लाना हो तो? तो हम डायरेक्ट जैसे कि हमने ये लिखा था, रुको मैं बताती हूँ, सिलेक्ट ऑल या तो सिर्फ देखना है आपको। एक सेकेंड ना, कॉमा मिनिमम को चला के देखते हैं। ये तो काफी दिख रहा है आपको। अब हमारे पास नेम भी आ गया कि सुमित, जो सुमित नाम का एक लड़का है जिसका एज सबसे मिनिमम है, 18 ईयर्स है। समझ में आया कैसे लिखेंगे? कॉमा यस मैम, करके यस हमने मैम, डायरेक्ट लिख दिया।
अगर हमें सारी वैल्यूज चाहिए होती तो हम क्या करते, स्टार लगा देते, ठीक है। और अगर हमें ऐसे ही, अगर हमें एज भी चाहिए तो यहाँ आप कॉमा करके एज भी लिख सकते हो। चलो, अरे सॉरी, एज तो हमने दे ही रखा है, क्या ब्रांच दे देते हैं भी ब्रांच चाहिए। अब इसको रन कर लेते हैं। देखो, अभी ब्रांच भी दिखा दिया इसने, ठीक है, समझ में आया? यस मैम यस मैम। ओके, फिर हम कुछ आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक वो है लाइक ऑपरेटर, लाइक का मतलब पता है लाइक क्या होता है? मैम, जैसे कोई कुछ मतलब सिलेक्ट कर बताना हो उसके बारे में। लाइक मतलब कि जैसे कि सेम वैल्यू या कुछ वैसी मिलती जुलती वैल्यू होती है ना, कि मुझे ऐसा ही पेन चाहिए जैसा उसके पास है, तो वो लाइक होता है, उसी लाइक का मुझे चाहिए, या मुझे वैसे ही कपड़े चाहिए, तो वो लाइक ऑपरेटर ऐसे ही होता है। जो आप स्पेसिफिक पैटर्न आप बता रहे हो कि मुझे इस पैटर्न की शर्ट चाहिए, मुझे इसी पैटर्न का ही कुछ भी चाहिए, तो वो एक ना होता है कि स्पेसिफिक पैटर्न आप बता रहे हो कि ये होनी चाहिए उसमें, तो वो होता है लाइक, सेम चीज़ें। तो यहाँ पे हम लाइक पढ़ते हैं थोड़ा सा। सेलेक्ट, स्टूडेंट्स वेयर एक बार इसको रन करा के मैं दिखाती हूँ, फिर बताती हूँ। देखो, कुछ समझ में आया स्टेटमेंट कि मैंने क्या लिखा और आउटपुट क्या आ रहा है क्या? यस मैम, आपने लिखा कि ऑल स्टूडेंट सेलेक्ट सेलेक्ट करो उन स्टूडेंटों का जिनका नाम ऐसे शुरू होता हो। हाँ, सही बोला कि यहाँ पे यही इसका मतलब है कि जिनका नाम ऐसे हम शुरू हो रहा है, मुझे उन बच्चों को सेलेक्ट करके दिखाओ। तो इसका बस मीनिंग यही है, लाइक ऑपरेटर हम लोग यहीं पे इसीलिए यूज़ करते हैं कि जैसे आपसे किसी ने पूछ दिया कि एस अल्फाबेट से जिसका नाम शुरू हो रहा है, या कोई भी चीज़ एक्स वाई जेड, ईमेल आईडी किसी चीज़ से शुरू हो रही है, फ़ोन नंबर जिसका 9 से नहीं 7 से शुरू हो रहा हो, तो उसका हम ऐसे करके लिख सकते हैं। चलो, फोन नंबर का एग्जांपल चलो 7 दे देते हैं, उनका 7 से शुरू हो रहा हो नंबर। तो ये देखो, हमारे पास एक ही ऐसा बच्चा है जिसका फोन नंबर 7 से शुरू हो रहा है, तो इसलिए इसने 7 सुमित का नंबर दे दिया। हम चेंज करके देख लेते हैं, 9 9 से देख लेते हैं, 9 से किन किन बच्चों का नंबर है।
ये देखो फिर इसने दिखा दिया इतने सारे बच्चों का, चार बच्चों का, 9 से नंबर स्टार्ट हो रहा है, तो ये बता दिया हमें कि इतने बच्चों का 9 से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लो कि किसी ने पूछ दिया आपसे कि मुझे उन बच्चों का नंबर दो जिनका फर्स्ट लेटर कुछ भी हो, लाइक नंबर जो ये फ़ोन नंबर है, फर्स्ट डिजिट कुछ भी हो सकता है, सेकंड डिजिट उसने मतलब फिक्स कर दी कि सेकंड मुझे 8 ही चाहिए, तो हम कैसे लिखेंगे? हम यहाँ पे देते हैं अंडरस्कोर, 1 सेकेंड ना, फिर हमें सेकेंड डिजिट क्या चाहिए थी, 8 चाहिए थी, फिर परसेंटाइल, फिर सेमी कॉलन। अब रन करके देखते हैं इसको। अभी देखो इसने उन बच्चों का नंबर दिखा दिया जिसका सेकेंड डिजिट में 8 आ रहा है, तो ये समझ में आया, ये मतलब कि ये जो अंडरस्कोर हमने दिया है ये पहला डिजिट को ये शो कर रहा है कि जो हमारा पहला डिजिट है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सेकंड डिजिट है वो इसने फिक्स कर दिया कि वहाँ पे वो 8 ही होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया? मैम, अगर चौथी डिजिट दिखानी हो तो हम 3 बार अंडर स्कोर करेंगे। हाँ, आप कर सकते हो, वैसे भी रन कर सकते हो, मैं करके दिखाती हूँ। चलो चौथी चाहिए ना आपको, लाइक कर लिया, 3 बार मैंने दे दिया, चलो 3 बार मैंने दे दिया, अब 7 ले लेते हैं कि फोर्थ डिजिट हमारी 7 है, उन बच्चों के नाम मुझे बता दो, ये उनकी डिटेल्स मुझे दे दो। तो देखो यहाँ पे 3 बच्चों का नाम आया जिनका फर्स्ट सेकंड थर्ड डिजिट कुछ भी है बट फोर्थ डिजिट 7 है, फिक्स है। ठीक है, आ गया रिजल्ट, समझ में आया? यस मैम, यस मैम, नेम में सर। भी अंडरस्कोर लगाएंगे। हाँ, नेम में भी आप करके देख सकते हो, जैसे कि चलो नेम में मैं दिखा देती हूँ करके, नेम में भी आपको अगर चाहिए कि पहला डिजिट कुछ भी हो, दूसरा उसका ए हो, 1 सेकेंड, अब हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे गौरव एंड कैलाश दो बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट डिजिट तो कुछ भी है बट सेकेंड डिजिट ए है। ठीक है, ऐसे आप कोई भी किसी भी कॉलम को लेकर देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम, ओके। और अच्छा कोई मुझे बताओ कि ऐसे बच्चे का नाम बताओ मुझे पूछना है जिसका लास्ट में आई आ रहा हो, लास्ट में, तो आप कैसे लिखोगे? मतलब कि उसने लास्ट लेटर फिक्स कर दी, आगे के कुछ भी हो सकते हैं रैंडम, लेकिन मुझे उन बच्चों का नाम बताओ जिसका लास्ट में आई हो, आगे कुछ भी हो। तो जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला आप देख रहे हो कि मैंने लिखा क्या, वेयर नेम लाइक एस, पहला लेटर हमारा एस हो, बाकी परसेंटाइल लगा दिया कि कुछ भी हो, वैसे ही हम जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे, सिमिलर लिखेंगे, बस हम क्या करेंगे, हमारा लास्ट डिजिट फिक्स है ना, तो हमारा पहला तो कुछ भी है, रैंडम लेटर्स हैं, लास्ट वाला हमारा फिक्स है, तो हम पहले परसेंटाइल लगा दिया हमने और लास्ट में आई लिख दिया। यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। ये देखो इसने दिखा दिया कि लास्ट में शिवानी के नाम के लास्ट लेटर जो का जो भी लास्ट लेटर है उसमें आई है और बाकी कुछ भी है,
और जो भी बच्चे हैं, दूसरे जो बच्चे हैं उनके में लास्ट में आई नहीं था, तो इसने नहीं दिखाया। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? मैम। सब लोग बोलो मुझे, बहुत टफ तो नहीं है ये, बहुत इजी है। सब लोग बताओ मुझे। देखो, सबके नाम में, किसी के भी नाम में लास्ट में आई नहीं था, सिर्फ शिवानी के नाम में आई था, तो उसने शिवानी का नेम शो कर दिया था। ठीक है, अब ऐसे मुझे बताओ कि मुझे लास्ट सेकंड लेटर, मुझे लास्ट सेकंड ए चाहिए, तो कैसे लिखेंगे? मैम वेयर परसेंट परसेंट पूरा शुरू से के बाद अंडरस्कोर बताओ, पहले सेलेक्ट लिखो, उसके बाद क्या लिखो? ऑल फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट्स, वेयर नेम लाइक नेम लाइक, स्टूडेंट अंडरस्कोर। क्या लिखो? मैम आपने बोला क्या था? मैंने बोला था कि लास्ट सेकंड लेटर उसका ए होना चाहिए। अंडरस्कोर ए परसेंट अंडरस्कोर ए अच्छा, पहले परसेंट लिखाओ, लगाओ, फिर अंडरस्कोर लगाओ। यस मैम हो सही सकता आएगा? है, हो सकता है, पता नहीं। देखो, ए तो हमने लास्ट में यहाँ पे लिखा है, तो स्पेसिफाई वो कर रहा है कि लास्ट लेटर ही तुम्हें दिखाएगा कि जिसका नाम ए से है, लास्ट मतलब जिस लेटर में लास्ट डिजिट ए है वो वर्ड आपको देगा। मैं रन करके देखती हूँ कि क्या आता है। देखो, इसने प्रिया, प्रियंका, अच्छा फुल नेम नहीं आ रहा, हाँ प्रियंका का नाम दिया, तो प्रियंका का तो लास्ट लेटर ए है। मैंने बोला था लास्ट सेकंड लेटर, मतलब कि के, जो जहाँ पे के है वहाँ पे ए होना चाहिए, उन बच्चों का नाम चाहिए था मुझे। तो बस ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। हमें पहले के कुछ भी चाहिए, फिर हम ए लिख देते हैं कि बीच में ए हो और लास्ट लेटर कुछ भी हो, तो यहाँ पे हम अंडरस्कोर दे देते हैं। अंडरस्कोर मतलब लास्ट लेटर कुछ भी हो, लेकिन उसके पहले वाला लेटर हमारा ए होना चाहिए। ये समझ में आया? यस मैम यस मैम। ये समझ में आया ना कैसे लिखा मैंने? परसेंटेज, परसेंटाइल का मतलब तो यही होता है कि रैंडम लेटर्स हैं, कुछ भी आप दो, लेकिन यहाँ पे जो हमने अंडरस्कोर लास्ट में लगाया, इसका मतलब कि लास्ट में कुछ भी हो लेकिन सेकंड लास्ट, उसके पहले हमारा ए होना चाहिए और उसके आगे कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब यही है। तो देखो, यहाँ पे गौरव का नेम आ रहा है, इसका लास्ट लेटर वी है और सेकेंड लास्ट ए है। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम हाँ, अब यस ऐसे ही मैम मान लो मुझे थर्ड लास्ट चाहिए था ए, तो हम दो अंडरस्कोर लगा देंगे लास्ट में कि लास्ट फर्स्ट और सेकंड कुछ भी हो लेकिन लास्ट थर्ड हमारा ए हो, तो इसको हम रन कर लेंगे। तो देखो, यहाँ पे तीन नाम आ दे सॉरी दो नेम दे रहा है, कैलाश और शिवानी। यहाँ पे एस एच इसका लास्ट है और थर्ड यहाँ पे हमारा ए है लास्ट थर्ड, और शिवानी में भी लास्ट थर्ड ए है। ठीक है, समझ में आया? यस यस मैम। मैम यस मैम ठीक है, एक और छोटी सी चीज़ है, ऐसे ही है सेम, मैं वो दिखा देती हूँ। मान लो हमारे पास कोई कंडीशन है कि मुझे उस बच्चे का नाम बताओ जिसका स्टार्टिंग लेटर के हो और लास्ट लेटर एच हो, तो बताओ हम कैसे लिखेंगे? मतलब बीच में हमारा कुछ भी होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट हमारा के और एच होना चाहिए। मैम के अंडरस्कोर एस लिख देंगे क्या?
के अंडरस्कोर एच अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे तो आप के डिफाइन कर दे रहे हो, के आपने पहले लिख दिया तो चलो ये तो आपने फिक्स कर दिया कि हाँ जो के से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अंडरस्कोर का मतलब सिर्फ वन लेटर का होता है कि एक यहाँ पे लेटर। परसेंट लगाएंगे मैम। हाँ सही बोला, यहाँ पे हम परसेंट लगाएंगे और फिर लास्ट लेटर हम लिख देते कॉमा हैं एच, कॉमा नहीं करेंगे, कॉमा नहीं मैम इसी करेंगे, में लिखी, इसी इसी में में कर देंगे। करेंगे। हाँ, जैसे कि अब देखो हमें पता तो नहीं है, अब प्रिया का मान लो एक प्रिया नाम की लड़की है, उसका सिर्फ 5 डिजिट का नंबर है, और एक शिवानी नाम की लड़की है उसका 6-7 डिजिट का नंबर है, तो आप कितनी बार अंडरस्कोर लगाओगे ये तो फिक्स नहीं है ना। तो हम परसेंटाइल यूज़ करते हैं कि यस कितना भी मैम। डिजिट हो हमारा वो रैंडम हो, लेकिन फर्स्ट और लास्ट हमारा के और एच हो, ठीक है? यस मैम। समझ आया ना ये बात? हाँ तो हम इसको रन कर देते। अब देखो यहाँ पे कैलाश का नाम दे दिया हमें कि स्टार्टिंग उसका के है और लास्ट हमारा एच है, और जो हम अंडरस्कोर लगाते हैं वो सिर्फ 1 डिजिट के लिए डिफाइंड होता है कि हाँ 1 डिजिट जो आपका लास्ट, यहाँ पे लास्ट में जो अंडरस्कोर लगा हुआ वो कोई भी रैंडम हो सकता है, उसके बाद सेकेंड लास्ट कोई रैंडम हो सकता है, फिर थर्ड हमारा ए है, और उसके बाद कितने भी डिजिट्स हो, कुछ भी हो, रैंडम हो, उससे हमसे मतलब नहीं है, ठीक है? ये दो चीज़ें अलग अलग होती हैं, परसेंटाइल और अंडरस्कोर, ठीक यस है? मैम। ये हमेशा याद रखना, जो परसेंटाइल है वो मल्टीपल नंबर के लिए हम स्पेसिफाई करते हैं, और जो ये है वो सिर्फ सिंगल सिंगल डिजिट के लिए करते हैं, सिंगल लेटर के लिए करते हैं, ठीक है? ये हो गया। और आप लोग बोलो, आप लोग को समझ में आया? संजय जोशी, यस मैम। आज समझ में आ रहा है ना कि क्या है परसेंटाइल और अंडरस्कोर हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं? यस मैम। विपुल आप बोलो। यस मैम। ठीक है, नितिन, मोहित एंड अभय, यस मैम। यस मैम। मैं आ रहा समझ। कोई डाउट नहीं है आप लोग को? सब समझ में आ रहा है? यस मैम। आप लोग प्रैक्टिस करो। हाँ, सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया किसने किसने किया आप लोग बताओ मुझे। मैम मैंने किया था, हाँ तो क्या उसमें पता नहीं वो क्या हो रहा है मैम। इशू आ रहा है? वो बार बार रन करने के लिए बोल रहा है। मतलब अभी आपका सॉफ्टवेयर मतलब डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है ना? डाउनलोड हो गया था पर फिर पता नहीं वो क्या हो जा रहा है, आगे दिखाई नहीं रहा है फोल्डर हाँ तो आप लोग, आपको जो भी उसका। प्रॉब्लम है आप ग्रुप में पूछ सकते हो, लाइक आपको जहाँ आप मैम ये है स्क्रीनशॉट कितने एमबी लेके का? उसको, क्या दो कितने सौ एमबी का है? एमबी अब मुझे एमबी तो नहीं पता, आप लोग देख लो, आप डाउनलोड कर लो माई गूगल वर्क बेंच। का है हाँ प्रियंका बता रही है 200 MB का है, आप लोग मैम। डाउनलोड करो लिनक्स के सब लिए लोग मिल के। जाएगा? क्या लाइनिंग्स के लिए मैम क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही मुझे। मेरे पास लाइनिंग्स वो है ना, लाइनिंग्स मिंट। हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग सब लोग डाउनलोड करो, ठीक है? नहीं तो लैब में सर ने बोला था, सर की लैब है, आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर या फिर फोटो लेकर भेज सकते हो आप लोग ग्रुप में, कोई भी आपको हेल्प कर सकता है, मैम है सर है, मतलब कहीं भी आप लोग फंसो तो पूछ लो, हाँ ना? यस हाँ अब आपका ग्रुप है आप उसमें पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे हम लोग और देख लेते हैं कुछ। एक चीज होती है अच्छा
अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे हैश यूज़ किया है एक लाइन लिखने के लिए, जो कि मैं रन नहीं कर रही हूँ। ये मतलब कि ऐसा रनिंग में लिख देते हैं हम लोग, अगर हमें ये, जैसे ये सारी चीज़ें जो मैंने सेलेक्ट वाली चीज़ें लिखी हुई हैं, स्टेटमेंट लिखी है, उसे वो हमारा यूज़फुल है, वो रन कर रही हूँ मैं। और जो हैश यहाँ पे मैंने पहले यूज़ करी है, वो एज अ मतलब कि कमेंट हो गया, वो मैं बस समझाने के लिए आपको लिख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मुझे रन करना है, वो या तो डेटाबेस में यूज़ हो रहा है ये लाइन, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ये एक कमेंट बन जा रहा है कि हाँ ये वो बस एक आप अपने हेल्प के लिए या मैं आपके हेल्प के लिए, बस ऐसा एक लाइन लिख दिया है मैंने, ठीक है? यस मैम। एक होता है एलाइजेस। एलाइजेस होता है कि हम किसी भी चीज़ को एक टेम्पररी नेम देते हैं। देखो आप लोग को जो हमारा डेटाबेस बना है, बेसिकली जो हमारा डेटाबेस बना है वो ये है, जो ये टेबल है यही हमारा डेटाबेस है, और जो ये हम सेलेक्ट सेलेक्ट करके लिख रहे हैं ना, जो भी स्टेटमेंट, वो बस ये सॉफ्टवेयर हमें सेलेक्ट करके वो वहाँ से निकाल के हमें दिखा रहा है। लेकिन जो अब जो भी आपका सेव्ड डेटा है, जो आपने सेव किया हुआ है, वो आपका सिर्फ यही है, ये हम सिर्फ देखने के लिए हम रन कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि हाँ ये इतने बच्चों को सेलेक्ट करके दिखा दो, इनके बच्चों का नाम दिखा दो जिनका ऐसा नाम है या वैसा नाम है, ये सिर्फ वहाँ से उठा के हमें दिखा रहा है, वो कुछ भी सेव नहीं है। कि आप सोचो कि लाइन तो आपकी सेव है, आप रन करके देख सकते हो कभी भी, बट हाँ जो हमारा डेटाबेस सेव्ड है वो सिर्फ ये टेबल बेस सेव है, ठीक है? अब हम एलाइजेज यूज होता है एक टेम्प्रेरी नेम देने के लिए, कि जैसे कि मान लो एक फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर का जो नेम है काफ़ी बड़ा है, अब हम इसको एक छोटा सा नेम देना चाहते हैं, सिर्फ फ़ोन लिखना चाहते हैं टेम्प्रेरी, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या बोलेंगे इसको, फोन एज का मतलब होता है एलाइजिस, एज फोन फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो ये देखो, हमने सिर्फ फोन नंबर उससे मांगा था और हमने उसका शॉर्ट फॉर्म नेम दिया था फोन, तो यहाँ पे इसने फोन नंबर फोन जो हमने इसका मतलब कि रीनेम करके इसको फोन दे देता है। ये आगे बहुत चीज़ों में यूज़ होता है, जब यहाँ पे तो हमारा सिर्फ एक ही टेबल है जहाँ पे बहुत सारे टेबल्स होते हैं, तो ये शॉर्ट एलाइजेस काफ़ी यूज़फुल होते हैं, कि एक टेम्प्रेरी नेम होता है, हमें बार बार वो बड़ा नेम नहीं लिखना होता है, आप छोटे नेम से भी काम चला सकते हो, ठीक है? समझ में आया ये? यस मैम। मैम अगर नेम के लिए करना है तो हम क्या लिखेंगे इस पे? नेम के लिए करना है तो कुछ भी लिख दो नेम से, नेम तो वैसे भी एन शॉर्ट ए होता लिखेंगे है। तो, अगर एन ए लिखेंगे तो आ जाएगा? हाँ कुछ भी लिखोगे तो देखो, ये आपको सिर्फ फोन लिख कर दिखा रहा है, वहां से उठा के उसने बस ये टेम्प्रेरी नेम फोन नंबर दे दिया, लेकिन अब जो आपका ये डेटाबेस है वहाँ पे ये आपको फ़ोन नंबर ही देगा, यहाँ पे वो चेंज नहीं होगा, ये बस आपको देखने के लिए कि हाँ इजी हो, बहुत ज़्यादा लिखना ना पड़े, और देखने में समझ, देखने में एक ही बार में समझ में आ जाए कि हाँ ये वो चीज़ है, तो यहाँ पे एलाइजेस उसलिए यूज़ होते हैं, जो आपका डेटाबेस है वहाँ पे ये चेंज नहीं होगा। चलो अच्छा, इसको चेंज करना है तो मैं चेंज करने एक बार सिखा देती हूँ, कि जो हमें मेरे पास कॉलम ही है उसका नेम हमें चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे। अच्छा मैंने कल बताया था कि अगर हमें टेबल में कुछ चेंजेस करने हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, अपडेट ऑल्टर क्या यूज़ करते हैं, कोई बताओ? अल्टर अल्टर
हाँ तो जैसे ये लाइन नंबर 21 दिख रही है, एल्डर टेबल स्टूडेंट्स ऐड कॉलम हमने किया था, उसी तरीके से अब हम मान लो आपने बोला कि हम इसका नेम चेंज ही कर देते हैं, मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ बच्चों। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट्स रीनेम अच्छा यहाँ एज नहीं आएगा, एक मिनट रुकना। इसको हम ऐसे ही करते हैं, एल्डर टेबल स्टूडेंट्स रीनेम फोन नंबर, इसको मैं करके बताती हूँ आपको, तब से हम कुछ और पढ़ लेते हैं, मैं कल बताऊँगी इसको आपको। कुछ और हाँ, आपने ये W3 स्कूल से आपने ये पढ़ा था, एवरेज सम काउंट ये कुछ उसमें दिया हुआ था, उसने वहाँ पे ऑपरेटर किसी ने पढ़ा था ये कि क्या है कुछ थोड़ा बहुत। नो ठीक है चलो हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपसे किसी ने पूछ दिया कि आपके पास जो डेटाबेस है उसमें कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो काउंट का मतलब ये होता है ना कि आप काउंट करके बताओगे कि सर 1 2 3 4 5 6 सिक्स बच्चे हैं हमारे पास, तो यहाँ पे तो डेटाबेस हमारा काफ़ी छोटा है, तो आपने काउंट करके बता दिया। लेकिन अगर हमारा डेटाबेस काफ़ी बड़ा होता, लाइक बहुत सारे बच्चे होते हैं उसमें, 80 90 बच्चे या उससे भी ज़्यादा 100 200 बच्चे होते, तो आप काउंट नहीं कर पाते, तो उसके लिए काउंट फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे सेलेक्ट काउंट फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये देखा सिक्स यहाँ पे नंबर दे दिया ना इसने सिक्स,
यहाँ मतलब समझ में आया क्या किया इसने, कि यहाँ पे हमने काउंट फंक्शन बस नेम के आगे यूज़ कर दिया, तो उसने कितने नेम्स हैं डेटाबेस में उसको काउंट करके बता दिया। ठीक है, बस बस ये ऐसी छोटी सी चीज़ है बस वो काउंट करने का। अब मुझे ये बताओ, ठीक है एक और चीज़ देख लेते, सम देख लेते हम। सम ऑफ एज कर देते हैं, नेम तो ये समझ में आया। सम हमने यहाँ पे उसको कमांड क्वेरी दी कि हमें सारे बच्चों के जितने भी बच्चे हैं उनका, सब बच्चों के जो जो भी एज है उसका सम करके हम मुझे बताओ। तो यहाँ पे हमने बस छोटी सी लाइन है, सेलेक्ट सम, फिर जो भी जिस जिसका भी हमें सम करना हो वो आपका इंटीजर होना चाहिए, तो वो एज उसने सम करके 1 2 3 हमें दे दिया। ठीक है समझ में आया। यस मैम, अगर 2 बच्चों का सम करना है तो 2 या 3? सिर्फ 2 बच्चों का, तो फिर वो आप सेलेक्ट करके उसके लिए दूसरा कमांड आएगा, अच्छा लाइक मैं देख चू सेलेक्ट अच्छा चलो मान लो हम पहले स्टूडेंट्स का नाम देख लेते कि क्या क्या है और किन बच्चों का ऐड करना है, तो हम वहाँ पे कंडीशन दे पाएंगे। सेलेक्ट सम मुझे उन बच्चों का नेम सेलेक्ट कर, अरे एज का सम करके दो जिनका एज इक्वल टू 17 दे देते हैं, जिनका अच्छा नहीं सॉरी ये तो गलत कंडीशन हो जाएगी। चलो ठीक है ये दे देते हैं, वेयर नेम लाइक जिसका नेम एस स्टार्ट, तो यहाँ पे आप लोग देख लो टेबल में एक सुमित और शिवानी, दो ही नाम के ऐसे बच्चे जिनका एस स्टार्ट हो रहा है, तो वो उन दोनों बच्चों का एज सम करके आपको दे देगा। देखते हैं हम, फिर ये देखो 24, अरे सॉरी 44 इसने सम करके दे दिया। ठीक है यहाँ पे हम कंडीशन देंगे कि आपको किन बच्चों का नेम ऐड करना है, वो हमें कंडीशन देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, कि उनका नेम ऐसा होना चाहिए या जिनका क्या बोलते हैं, जिनका कुछ डिफरेंट हो नेम, एस नेम ये हो, या आधार कार्ड इससे स्टार्ट हो, या आधार कार्ड का नंबर आप पूरा स्पेसिफिक दो कि ये हो, मतलब कुछ कंडीशन होनी चाहिए ना, होगी ना, जैसे कि प्रियंका और सुमित हो तो 2 बच्चों का नाम दो जिनका लेटर, कोई भी नेम या लेटर कुछ भी कंडीशन हमें देनी पड़ेगी कि कौन से 2 बच्चों का आपको ऐड करना है या 3 बच्चों का ऐड करना है। ठीक है समझ में आया, यस मैम। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना, मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना मेरी वजह से कुछ। नो मैम। ठीक है अब हम देखते हैं एवरेज। अब हम मान लो एवरेज भी एक छोटा सा फंक्शन है ऐसे ही है, सम की तरह सेलेक्ट करके दिखाओ एवरेज एज करके बताओ मुझे कि एक क्लास में एवरेज एज क्या है,
ठीक है, तो हम एवरेज यूज करते हैं। इसको रन कर दिया। अब ये देखो, इसने दिखा दिया 20.1667। ये हमारा एवरेज निकाल के इसने दे दिया। एवरेज पता होता है, पता है ना आप लोगों को क्या है एवरेज का फॉर्मूला? कुछ क्या होता है एवरेज, कैसे निकलता है? बताओ एवरेज का मतलब क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं? अगर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, मान लो 1 2 3 है, 3 डिजिट्स हैं हमारे पास, 3 लेट क्या बोलते हैं, 3 वैल्यूज हैं, उसका एवरेज निकालना है, तो आप क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे? मैम एन अपॉन टू क्या फिर से बोलो, कैसे निकालेंगे 1 2 3 का एवरेज क्या होगा? मैम 1 2 3 को जोड़ेंगे या 3 से डिवाइड कर देंगे? हाँ सही है, सिंपल है, ऐसे ही करते हैं कि हमारे पास जो भी वैल्यूज हैं उसको हम पहले ऐड कर देते हैं, और जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा एवरेज आ जाता है। ठीक है, तो इतना ही है बस। और कुछ छोटी चीज देखते हैं। आप लोग पढ़ो, हाँ थोड़ा थोड़ा जो सर ने बताया था वो सब पढ़ते रहो। वो साइट से, वेबसाइट से काफ़ी इजी है, वो पढ़ो आप लोग, और सब लोग डाउनलोड करो, हाँ प्रैक्टिस करो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं आप लोग। ठीक है, मैं शेयर कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो आज के क्लास में। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो नो मैम। मैम। ठीक है, नितिन, संजय, नो मैम। विपुल एंड अभय, आप भी बताओ। नो मैम अभी तो फिलहाल नहीं है, अगर हाँ रिवीजन करके होगी तो फिर बता देंगे। हाँ जी, ईमेल पे सर ने बोला था ना आपको वीडियोस मिल जाएंगी, वन नहीं तो यूट्यूब पे भी, आप एक्टिकल के यूट्यूब पेज पे चले जाओ, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो कुछ भी हेल्प चाहिए होगा वहाँ पे वीडियो है, आप वहाँ से देख लो। कोई भी डाउट होता है तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके मैम। आप लोग ग्रुप में पोस्ट कर दो स्क्रीनशॉट लेके, या कोई डाउट है तो लिख के फोटो पिक्चर क्लिक करके आप भेज दो, कोई भी सॉल्व कर देगा सर मैम। ठीक है, यस मैम। हाँ ठीक है, आप लोग पढ़ो। हाँ ओके, फिर आज के लिए एंड करते हैं यहीं पे। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हेलो।